गुड मॉर्निंग, दिस इज भूषण गावड़े और वेलकम बैक टू माई अनलॉग। इट्स 11:30 राइट नाउ और अभी मैं निकल रहा हूँ। आई रियली वॉन्ट टू शो यू द ब्यूटिफुल और अमेजिंग होटल्स इन द नासिक। नेक्स्ट वीक में हम गए थे बाइक राइड के लिए। बाइक राइड में बहुत मज़ा आया और जो मज़ा आता है बाइक राइड का वो अलग होता है, एंड एक्सप्लोर दिस ब्यूटिफुल एंड अमेजिंग होटल्स एंड मेकिंग ट्रैवल व्लॉग, उसमें एक मज़ा अलग होता है। तो अभी हम निकल चुके हैं यहाँ से। थोड़ी गर्मी बहुत है, हीट वेव आ रही है, मतलब कभी भी यहाँ पे इतना टेम्परेचर नहीं था, 40 डिग्री और 42 डिग्री, बट अभी यहाँ पे लिटरली मुझे फील हो रहा है हीट वेव्स। और हम गए थे धूला साइड, ऑलमोस्ट इंदौर और नासिक के आगे है, इट्स 100 और 200 किलोमीटर। वहाँ पे तो इतनी गर्मी क्या बताऊँ, मतलब मेरे हाथ से सीधा पानी निकल रहा था। इट्स स्वेटिंग, आई एम स्वेटिंग, लिटरली आई एम स्वेटिंग एट नाइट 9:30 और 11 o'clock। दिन में तो बात ही छोड़ो, अभी यहाँ पे भी हमें हीट फील हो रही है। थोड़ी मेरी कार गर्म हो चुकी है, पूरी धूप में खड़ी, ये बाहर कितनी धूप है। बस अभी 11:30 हुआ है, फिर भी इतनी धूप है, तो सोचो आफ्टरनून को कितनी धूप होगी। तो हो, अब थोड़ी ठंडी हो चुकी है कार, क्योंकि मैंने बाहर लगाई थी, धूप में तो इतनी गर्मी थी तो पूरा इंटीरियर गर्म हो चुका था। मैंने थोड़ा एक दो मिनट बाहर शूट किया और थोड़ा एसी शुरू किया, तो थोड़ा इंटीरियर चिल हो गया। अभी मैं बैठ सकता हूँ और ठीक से राइड कर सकता हूँ। कार थोड़ी क्लीन करके यहाँ से निकलते, लेट्स गो। I was a lonely silhouette, needed somebody to show the way. Yeah, I was a heartbeat with no sound till you came around. Yeah, you showed me colors, light in the darkness. You were the मैं यहाँ पे रिमोट ढूंढ रहा था और यहाँ पे कुछ स्प्लिट एसी भी नहीं लगा, सो मुझे लगा कि ऑटोमेटिक टेम्परेचर सेट होता होगा, लेकिन कैसे सेट होता होगा अगर मुझे यहाँ पे 18 डिग्री चाहिए और साइड में किसी को 24-26 डिग्री चाहिए। तो उसके लिए उन्होंने पैनल लेके रखे हैं, ये टेम्परेचर का, आप टेम्परेचर बढ़ा सकते हो, टेम्परेचर कम कर सकते हो, इसको आपके हिसाब से ट्विस्ट कर सकते हो। और ये फैन का स्पीड है, हमने रखा है इसको हाई पे और टेम्परेचर सेट किया 16 डिग्री। टाइट सीट, आवाज़ आ रही है आपको अभी फैन की। सो ये थोड़ी देर में पूरा रूम चिल्ड हो जाएगा, बाहर गर्मी बहुत है और मुझे बहुत कम टाइम मिलता है कि मैं स्पेंड करूँ एयर कंडीशन फ्लैट में, और कार में मुझे एसी मिलता है लेकिन फ्लैट्स में एसी बहुत कम मिलता है। सो यहाँ पे हम पूरा टेम्परेचर डाउन करने वाले हैं। अर्ली मॉर्निंग रिसेप्शन को कॉल करने की जगह हम ये कर सकते हैं, यहाँ पे उन्होंने कॉफ़ी मेकर दिया है, यहाँ से हम कॉफ़ी बना सकते हैं। सो लेट मी मेक 1 कप ऑफ कॉफ़ी। फाइनली ये हमारी कॉफ़ी रेडी हो चुकी है, सो लेट्स कैसे बनाई मैंने आई विल टेल यू। आई मीन पहली बार बनाई, मतलब बहुत दिन बाद बनाई मैंने कॉफ़ी, फिर भी इट्स नॉट टू गुड और नॉट टू वर्स्ट, इट्स फाइन इन बिटवीन, अच्छी बनी है, ठीक ठाक बनी है। और अब ये कॉफ़ी ख़त्म करते हम, ये कितना अच्छा लग रहा है, शायद
ऐसे हमारे बेड्स हो जहाँ पे हम शांति से काम कर सकें। We could be 100 miles apart, but it's never far. Yeah, you show me colors, light in the darkness. You were the only thing I needed. Then we got older, but we stayed the same. Swear that we never lost the flame. No, no, nostalgia. Afternoon को कॉफ़ी पी रहा हूँ मैं और आई एम रियली एंजॉइंग दिस व्यू एंड द कॉफ़ी और दिस बुक्स। तो हमारा प्लान अभी ट्रैवलिंग करना है। आई वुड लाइक टू एक्सप्लोर द प्लेसेस और सबसे इम्पोर्टेंट जो बीच में काम आता है उस काम को मैनेज करना और सैटरडे संडे शूट को निकलना वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है मेरे लिए। कभी कभी सैटरडे संडे भी इतना वर्क लोड होता है तो उसे मैनेज करना और आगे हमारे टाइम लैप्स और ट्रैवल स्केड्यूल करना अभी हम सब कुछ सीख रहे हैं। सो विल स्टेप बाय स्टेप विल डू और सेट और विल सॉर्ट आउट द थिंग्स। बहुत सारी चीज़ें वो एक दो दिन में सॉर्ट नहीं होगी, एक दो महीने में भी सॉर्ट आउट नहीं होगी। धीरे धीरे थिंग्स सॉर्ट आउट करनी है। वुड लाइक टू डू बाइक राइड्स, ट्रैवलिंग। ये है वॉशरूम, यहाँ पे ड्रायर यूज कर सकते हो अपने टेकिंग शॉवर्स। और यहाँ पे उन्होंने ग्लास क्यों नहीं दिए, ग्लास क्यों दिए मुझे पता नहीं। एंड टिश्यू पेपर ब्रश वगैरह यूज तो होता है नॉर्मली। यहाँ से आप यू कैन क्लीन योर हैंड्स। और ये मिरर हाउ लुक्स सो गुड, नहीं कुछ भी नहीं है। वर्कआउट करना पड़ेगा और सबसे इम्पोर्टेंट डाइट फॉलो करनी पड़ेगी। तो यहाँ से आप ये यूज कर सकते हो और बैक साइड में शॉवर लेना है और ये क्लोज भी कर सकते हो। इस हिसाब से ऐसे क्लोज होता है ये और आप शॉवर ले सकते हो। ये ऊपर दिख रहा है, ये क्लोज भी कर सकते हो इसे ऐसा। ये अभी ओपन है, अभी ये क्लोज होगा। तो नीचे से आ रहे हो, कहाँ गया, आ गया, आ गया। बैक साइड में ग्लास लगा के रखी उन्होंने, तो आपके ऊपर डिपेंड है इसको ओपन रखना है क्लोज रखना है। फिलहाल तो मैं अकेला हूँ तो आई वुड लाइक टू ओपन दिस कर्टन। और मैं ऐसे बात कर रहा हूँ फिर भी आपको आवाज़ आ रही होगी। ये शॉटगन माइक है लेकिन फिर भी इतना साइलेंट है मेरे साइड में। तो मैं अभी ऐसे बात कर रहा हूँ ना फिर भी क्लियर आवाज़ आ रही है उसमें। तो मैंने वीडियो प्ले चेक करके देखी, क्लियरली सुनाई दे रहा है। ऐसे यहाँ अभी सोया था एक घंटे के लिए मैं, अभी मेरी नींद खुली थोड़ी। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा मेरा पर्सनल काम कर रहा था वो हो गया। और यहाँ से अभी जाते हैं हम पूल के लिए। सो स्विमिंग सेशन ख़त्म करते हैं, उसके बाद विल बैक टू होम एंड हैव सम फूड। सो अभी चलते हैं यहाँ से। वेयर इज़ माई कार्ड, कार्ड 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 कार्ड, हाँ कार्ड यहाँ पे, यहाँ से निकालोगे ना। 1 2 3 4 हम फिफ्थ फ्लोर पे। मैं आपको होटल का एंट्रेंस दिखाता हूँ। पिछले बाइक राइड पे गया था तब भी मैंने स्विमिंग की थी लेकिन बहुत कम की थी। अभी हमारे पास बहुत टाइम है तो जितना हो सके उतना हम स्विमिंग सेशन करते, अगर रेगुलरली स्विमिंग करते तो बहुत मज़ा आएगा। सो लेट्स हिट द पूल। यहाँ पे ऑलमोस्ट 5.2 और 5.3 फीट है। मुझे लगा ये बहुत डीप है क्योंकि मैं वहाँ से उतरने वाला था
टूम, मुझे लगा अगर मैं डूब गया तो स्विमिंग आती फिर मुझे डर लग रहा था। यहाँ पे 5 और 5.1 फीट है और वहाँ पे जब आप जाते हो मतलब यहाँ तक आते हो, मतलब मैं यहाँ से स्विमिंग करके वहाँ तक जाता हूँ, वहाँ जा जाते मेरे पैर फ्लोर पे लगते हैं स्विम करते वक्त, तो वहाँ पे लिटरली मुझे खड़ा होना पड़ता है। सो हम हिट करेंगे ऑलमोस्ट 7 o'clock क्लोज से, डू सम स्विमिंग स्टेशन एंड देन बैक टू रूम्स। बहुत मज़ा आता है, लेकिन समर में स्विमिंग करने का मज़ा ही बहुत अलग है। सो लेट्स डू somebody to show the way. Yeah, I was a heartbeat with no sound till you came around. Yeah, you showed me colors, light in the darkness. You were the only thing I needed. Then we got older, but we stayed the same. Swear that we never lost the flame. No sorrow. स्विमिंग सेशन हमारा कंप्लीट हो चुका है और मैं फाइनली रेडी हो चुका हूँ, वांट टू डू सम वर्क और बहुत मज़ा आया आज के स्टे में और थोड़ा काम फिनिश करना है। अब रात हो चुकी है, सो इंडोर में हमारा पता था। मैं जब सोया था मैंने फ़ैन ऑन किया था, तो ये फ़ैन का स्विच है, शुरू हुआ। अब ये देखो इसका स्पीड बहुत फास्ट होता है। सो आई एम सर्चिंग कि कहाँ है जो मैं घर में ढूंढता था रेगुलेटर जिससे हम स्पीड कम कर सके, और इसका स्पीड देखो। तो जो एसी का और इसका सब का इन्होंने कंट्रोल यहाँ पे देख रखा है। फैन, लुक एट दिस फैन। गुड मॉर्निंग, इट्स 10:30 राइट नाउ और मेरी नींद अब खुली है। हर बार मेरे प्लान करा होते हैं, 6 बजे उठने का मेरा प्लान था, अभी मेरी नींद खुली है। सो ये कंफ्यूज करता है कभी कभी, मैं ये खींचता हूँ तो ये ऊपर जाता है और ये खींचता हूँ फिर से नीचे आता है, ये खींचना पड़ता है। ये यहाँ पे लॉक हो गया, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम पता नहीं। तो दिस इज़ द मॉर्निंग व्यू एंड मुझे चाहिए एक कप ऑफ कॉफ़ी, कल मैंने यहाँ पे बनाई थी, अभी इसमें कुछ भी नहीं। सो आई वांट टू ऑर्डर फ्रॉम रिसेप्शन। मेरा प्लान था सुबह छः बजे उठने का, लेकिन वो कुछ हुआ नहीं, इतना एग्जॉस्ट था मैं, रात को 4 बजे सोया। नाउ आई जस्ट कॉल्ड अप, सो लेट्स हैव सम कॉफ़ी एंड लिव। 11 बजे चेकआउट है हमारा। दिस इज़ सो अमेजिंग एक्सपीरियंस फॉर मी और दिस माई फर्स्ट डे इन 5-star or 3-star hotels। लेट्स आई वुड लाइक टू डू मोर shoots in the hotels, I would like to travel more, but I really want to make this kind of vlogs. Will once upgrade the gadgets aur bhi acche vlogs shoot honge. Once I upgrade gadget you can feel you are watching a movie, 4K 60fps, it's a fucking ultra HD. So abhi chai peete, abhi coffee peete hain and let's get ready and leave. 11 baje check out hai, so bye bye, milte hain shower ke baad. Like a symphony of a memories of nostalgia. Don't you ever slip away? Oh, nostalgia. Like a symphony of a memories of मैंने कॉफ़ी ऑर्डर की थी अभी, तो एक कप कॉफ़ी मैंने पी ली, तो इसमें मैं आपको दिखाता हूँ और कॉफ़ी। एक्चुअली मैंने ये बुक किया था 2 लोगों के लिए, 2 लोग तो है नहीं साथ में, ट्रैवल अलोन। सो एक मिनट रुको, मुझे इसको खोलना पड़ेगा, इस पर नहीं रख सकता, इसका कवर निकाल, इसको मैं खोलता हूँ।
Let me open this. दिख रही, इसके अंदर इतनी कॉफ़ी है, क्या मैं घर लेके जा सकता हूँ इसको? सिर्फ मैंने एक ही, मैं ज़्यादा कॉफ़ी नहीं पी सकता, इतनी कॉफ़ी, दो या तीन कप कॉफ़ी निकलेगी। और अब ये हम ऐसे ही रहने देते हैं एंड विल स्टार्ट पैकिंग। ऑलमोस्ट हमारा चेकआउट टाइम हो चुका है, बस कॉफ़ी के लिए रुका था। आई मिस दिस व्यू सो मच, आई मिस दिस वाइब सो मच, सो बाय बाय, सी यू एंड we'll travel another time and another locations. So let's go. Hamara time ho gaya check out ka. Aur where's the key? Ha, yahan pe wallet car parking hai. To uska jo card hai na, wo hame carry karna hoga. To jab hum ye dikhayenge to wo car leke aayenge parking se. Hame zarurat nahi padti car niche jaake parking karne ki. It's called as valet car parking. 5-star और जो लग्जरियस होटल है उसमें मोस्ट ऑफ ये फैसिलिटीज होती हैं। तो मैं कल दो या तीन बार गया तो उनको दो या तीन बार निकालनी पड़ी कार। तो वो मुझे पूछते और कितने टाइम आप बाहर जाने वाले हो, मैंने कहा ये मेरा लास्ट टाइम है। एक्चुअली मुझे जाना था फिर से रात को बाहर, लेकिन मैं उन्होंने मुझसे जो वैसे क्वेश्चन पूछा तो मैंने प्लान ड्रॉप कर दिया। बट उन्होंने मुझे ऐसा सवाल पूछा ना तो मैंने प्लान ड्रॉप कर दिया। तो मुझे निकलना था 10:30 और 11 o'clock फिर से। I'm ready.